हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टॉपिक टू ऑफ यूनिट नंबर 6, दैट इज यूलर्स थ्योरी अजम्पशन एंड कैलकुलेशन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ यूलर्स थ्योरी फॉर गिवन डेटा। हमने जैसे कि देखे दो टाइप के कॉलम होते हैं, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम। तो यूलर्स इन्होंने अपनी थ्योरी अपना अजम्पशन कुछ दिया था इस वर्ल्ड को जो कि लॉन्ग कॉलम के लिए था। इसमें लर्निंग आउटकम क्या अचीव हो रहा है, कैलकुलेट द लिमिटेशन ऑफ यूलर्स थ्योरी फॉर द गिवन डेटा, चेक द कॉलम सेफ्टी फॉर वेरियस लोडिंग एंड एंड कंडीशन। पीओ जो हमारे मैप हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10। देन हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, डिफाइन कॉलम, उसके टाइप्स, रेडियस ऑफ गायरेशन, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ एंड कंडीशंस जो कि 4 कंडीशंस थी, स्लेंडरनेस रेशो। देन व्हाट इज यूलर्स थ्योरी। द यूलर्स थ्योरी स्टेट्स दैट स्ट्रेस इन द कॉलम ड्यू टू डायरेक्ट लोड्स इज स्मॉल कंपेयर टू स्ट्रेस ड्यू टू बकलिंग फेलियर। इट हैज टू टाइप ऑफ कॉलम, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। यूलर्स थ्योरी ने क्या बोला था कि जो स्ट्रेस है कॉलम में ड्यू टू डायरेक्ट लोड इज स्मॉल कंपेयर टू बकलिंग फेल्योर। इसका फॉर्मूला क्या है, डिनोटेड बाय पीई, फॉर यूलर्स, पी फॉर लोड। यूलर्स लोड इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर। पाई स्क्वायर E मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, I मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, LE इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। देन यूलर्स थ्योरी अजम्पशंस, क्या क्या अजम्पशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी पेपर के लिए। पहला, द मटेरियल ऑफ कॉलम इज परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो कॉलम का मटेरियल रहेगा वो परफेक्टली होमोजीनियस रहेगा। द कॉलम इज लॉन्ग इनफ एंड इट फेल्स ड्यू टू बकलिंग ओनली। बकल के वजह से ही फेल होना चाहिए कॉलम, ठीक है, इतना लॉन्ग रहना चाहिए। द लोड ऑन कॉलम इज एक्जैक्टली वर्टिकल एंड एक्सियल। जो कॉलम पे लोड रहेगा वो एक्जैक्टली वर्टिकल लगेगा, आजू बाजू से नहीं। द सेल्फ वेट ऑफ कॉलम इज निग्लेक्टेड। कॉलम का खुद का वेट क्या किया उसने, निग्लेक्ट किया है। द कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म लैटरल डायमेंशन। जो कॉलम है वो एकदम स्ट्रेट है और जो यूनिफॉर्म डायमेंशन है उसी का है। द कॉलम इज स्ट्रेस अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये 6 अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इट इज द रेशियो ऑफ बकलिंग लोड टू द सेफ लोड, दैट इज FOS इज इक्वल्स टू बकलिंग लोड अपॉन सेफ लोड। वॉट इज सेफ लोड, इट इज द रेशियो ऑफ बकलिंग लोड टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ लोड इज इक्वल्स टू बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये पूरे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ये हमको यूलर्स थ्योरी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लगने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देन व्हाट इज रैंकिंस थ्योरी। देखो यूलर्स वाज अप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम। कॉलम की थ्योरी दो साइंटिस्ट मेन थे, यूलर्स थ्योरी, रैंकिंस थ्योरी। जो यूलर्स थ्योरी थी उन्होंने बोले कि भाई लॉन्ग कॉलम के लिए मैं जो उस पर लोड क्या लगेगा तो वो लोड के वजह से फेल नहीं होगा पर वो बकलिंग वजह से फेल होगा। दूसरा रैंकिंग्स क्या बोले, रैंकिंग्स का ऐसा बोलना था कि जो यूलर्स की थ्योरी है वो अप्लीकेबल किसके लिए है, सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए। तो इन्होंने अपना एक इंपेरिकल फॉर्मूला सजेस्ट किए फॉर शॉर्ट कॉलम, क्या है वो, PR मतलब रैंकिंग्स लोड इज इक्वल्स टू सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा एली बाय के मिनिमम होल स्क्वायर, वेयर PR इज रैंकिंग्स क्रिपरिंग लोड, सिग्मा सी इज अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस एंड अल्फा इज रैंकिंग्स कॉन्स्टेंट। अब रैंकिंग्स कॉन्स्टेंट, देन हमने क्या पढ़े की पॉइंट इस वीडियो में, यूलर्स थ्योरी, यूलर्स थ्योरी अजम्पशन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ लोड एंड रैंकिंग्स थ्योरी। प्लीज नोट,
हमने क्या पढ़े, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, यूलर्स थ्योरी, यूलर्स थ्योरी अजम्पशंस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ लोड एंड रैंकाइंस थ्योरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।